हाय एंड वेलकम टू द टेरेस किचन। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग नो बेक चॉकलेट डिजर्ट की रेसिपी। इसे बनाना आसान है, ये अट्रैक्टिव है, बच्चे बड़े सब इसे पसंद करेंगे, ये ऐसी डिजर्ट है। चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 140 टू 150 ग्राम बिस्किट। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल बिस्किट पे जो वजन होता है ना बहुत ही रैंडम होता है, तो अप्रॉक्सीमेट इतना ले। 3 टेबलस्पून सॉल्टेड रोस्टेड पीनट यानी जो नमक वाली मूंगफली आती है वो, 3 टेबलस्पून काजू ले, काजू की जगह बादाम भी ले सकते हैं। अब मूंगफली को और बाकी सारी चीज़ों को हमें डालना है मिक्सर में। अभी जो चॉकलेट बिस्किट्स हैं इसमें क्रीम है, इसके साथ ही हमें डालना है मिक्सर के जार में। आप अपना फेवरेट चॉकलेट बिस्किट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून कोको पाउडर एक्स्ट्रा चॉकलेटी टेस्ट के लिए, बट ये ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों की अच्छी पाउडर बना ले। पाउडर बनाते समय आपको इसे बार बार मिलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। अब बिस्किट के इस चूरे को आप एक बोल में ट्रांसफर कर दें। जो भी इसमें गुठलियाँ होंगी उन्हें एक चम्मच से ऐसे तोड़ दें। फिर डालें पिघला हुआ मक्खन। आप घर का बना हुआ मक्खन डाल सकते हैं या फिर रेडीमेड डाल सकते हैं, सॉल्टेड वाला भी। और थोड़ा सा मिलाएं एक समय पर, ज़्यादा ना हो जाए, अच्छे से मिलाएं। हमें बटर इसलिए डालना है कि अच्छी बाइंडिंग आ जाए और बाद में जब हम इसे सेट करें तो उस वजह से ही सेट भी हो जाए, तो बटर डालना ज़रूरी है। या फिर आप चाहें तो गनाश भी डाल सकते हैं अगर आपके पास वो है तो। ये हमारा मिक्सचर रेडी है। साथ में हमें चाहिए कपकेक लाइनर्स या फिर आप जो सिलिकॉन का कपकेक मोल्ड आता है आप डायरेक्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मिक्सचर एक कपकेक के लाइनर में डालें, ऐसे चम्मच से दबा के इसे स्प्रेड करें। आप ऊपर तक कपकेक लाइनर भर सकते हैं पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आधा ही रखें, ताकि जो ये डिजर्ट, ये जो चॉकलेट कप हम बना रहे हैं इसका पोर्शन जस्ट राइट हो एक सर्विंग के हिसाब से। अब स्पून से अच्छे से दबा दबा कर इसे लेवल करें। बहुत ही फन टू मेक है, आप अपने बच्चे को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेरा बेटा तो ये खा ही जाएगा बनने से पहले, इसलिए मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। यहाँ पर मैंने 6 कपकेक लाइनर्स रेडी किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास है दवाई की बॉटल का ढक्कन। ढक्कन यानी जो मेजरिंग कप छोटा सा आता है वो, इसे बीच में रख के हल्का सा हमें यूँ घुमाना है ताकि एक गड्ढा सा बीच में बन जाए। कैप को प्रेस करें, साथ ही में आप इसे रोटेट करें। इससे होगा यूँ कि आपकी जो ये कैप है ये बिस्किट के मिक्सचर के साथ चिपकेगी नहीं, आराम से ही उठ जाएगी। तो बस ऐसे ही सारे ये छोटे छोटे जो गड्ढे हैं हमें बनाने हैं सारे कपकेक्स में, कपकेक के लाइनर्स में, कपकेक्स नहीं है एक्चुअली। आधा घंटा या फिर इन्हें हार्ड होने तक आप फ्रिज में रखें। साथ ही में ले चॉकलेट, चॉकलेट या कंपाउंड आप ले सकते हैं। इसमें डालें 2 टीस्पून दूध या फिर आप चाहें तो 2 से 3 टीस्पून फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। माइक्रोवेव में 30 सेकेंड तक इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लें, या फिर डबल बॉयलर यानी एक गर्म पानी के बोल के ऊपर आप इस बोल को रखें और इसे मिलाते रहें जब तक कि चॉकलेट और दूध या फिर क्रीम अगर आप यूज़ कर रहे हैं अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। इसे हम डालेंगे हमारे चॉकलेट कपकेक्स में जब वो सेट हो जाएंगे। तो सेट होने के बाद आप इस गनाश को सेंटर में इस तरह से डाल लें। एक बात का ध्यान रहे कि जब भी आप मिल्क या क्रीम अपनी चॉकलेट में मिला देते हैं उसके बाद आप उसे अगर सेट करेंगे तो वो सॉफ्ट होगी, वो कभी भी वापस चॉकलेट की तरह हार्ड नहीं होगी क्योंकि हम उसका एक गनाश बना लेते हैं। तो इसे हम सेट करेंगे फ्रिज में ताकि जो हमारा गनाश है हल्का सा फर्म हो जाए। तो ये देखिए फर्म हो गया है। बिस्किट्स में जो हमने नट डाले हैं यानी जो कैश्यू नट है, पीनट्स है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हल्के हाथ से आप मोल्ड से निकालें। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा टच करेंगे तो उंगलियों की गर्मी से भी चॉकलेट पिघल सकती है या फिर जो बटर है वो मेल्ट हो सकता है, तो कम से कम आप इसे टच करें। कपकेक के लाइनर्स में से निकालने के बाद आप तुरंत इसे एक प्लेट में रख दें। तो जो आप खा रहे हैं वो आप इमीडिएटली तुरंत सर्व कर सकते हैं। बचे हुए आप किसी डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें, आराम से आप इसे एक हफ्ते तक खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी डिजर्ट है, पोर्शन भी जस्ट राइट है। पीनट्स, कैशू, अगर आप और ड्राई फ्रूट्स डालते हैं आपके पसंद के तो वो, इन सब से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करें इसे ट्राई एंड एन्जॉय।